पाकिस्तानी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, मैं मतलब कि जिस तरह हमारी एक तहजीब है, हमारे जो बड़े हैं इन्होंने जो हमें सिखाया है वो यह है कि बड़े छोटे होकर आपने इज्जत करनी है, तमीज से आपने बात करनी है। लेकिन मैं आपसे खास तौर पे ये बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से बहुत लंबा है, तो अपने बचपन में, अपनी होश में जितना मुझे याद है, कभी असेंबलियों में या मीडिया में या मतलब पब्लिक के सामने कभी इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई है जिस तरह आजकल के जमाने में जमहूरियत के नाम पे की जाती है। बिल्कुल, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कब कब हुआ है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, अब सच्ची बात ये है कि थोड़ी बहुत इब्तदा बहुत कम फीसदी पीपल्स पार्टी के पहले दौर में शुरू, अच्छा, जिसमें भुट्टो साहब ने पब्लिक जलसा था और सुबह मशकी पाकिस्तान को उनको कहा कि जहन्नम में जाएं ये सूअर के बच्चे, वहां से फिर नाम रखने अपने ओपोनेंट्स के, ये भी वहां से रवाज शुरू। अब शुरू हुआ तो वो जब बीज आप बोते हैं तो वो एक छोटी सी कोपल निकलती है, उसके बाद 40 साल में वो एक दरख्त बन जाते, अब वो बन चुका है दरख्त। अब मेरा ख्याल है कि किसी के बस की बात नहीं कि हमें रिवर्स गियर लगा के वापस ले जाए, बहुत मुश्किल। माँ बाप को इज्जत बचाना आज औलाद से बहुत मुश्किल हो। वो जो इकबाल ने कहा था फारसी में, गुरेज अज तर्ज जब हूरी गुलाम पुख्तकारे शो के अस मगजे खरे दो सद अकले इंसानी नमी आए, कि बचो इससे 200 गधों का दिमाग इकट्ठा करने से इंसान का दिमाग नहीं बन सकता। असेंबली में देखा मैंने इतनी डिटेरियरेशन हुई है मुआशरे में, मेरा मतलब है कोई सोच सकता था मैं जब उनकी वहां देखता कि यार ये वो बेंचेस हैं जिन पे क्या बड़े लोग बैठे हैं, नवाबजादा नसरुल्ला खान, गुलाम मुस्तफा जतोई। मेरा मतलब है आप देखे, मैं रात को देख रहा था एक औरत खड़ी हुई जबान पर के सामने, उसने कोई ऐसा गलत लफ्ज बोला है कि उन्होंने बीपर लगा, ओह माय गॉड, मरियम के बारे में। नहीं पर मानिका साहब, आई थिंक एज अ वुमन आई थिंक आई एम वेरी ऑफेंडेड बाय दैट, व्हाई शुड अ वुमन, ओ यहां है ही नहीं कोई, ये वुमन है, लड़की खड़ी हो कह रही मेरी माँ कहती इमरान से मैं शादी करूंगी, एंड माय फादर हैज नो ऑब्जेक्शन, क्या आपने सुना नहीं? But so Manika sahab, is this our politics now? Is this what is going to be what Pakistan how Pakistan represents democracy? यही नमूने हम लाते रहेंगे तो इससे बढ़ के हो। कौन से नमूने? ये जो आजकल हम लाए हुए। अब आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? अरे? अब आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? नहीं, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। सारे सिस्टम को बर्बाद ही, इखलाक कोई नाम की चीज ही नहीं है पीटीआई पे, ये इखलाक है कि इज्जत में आप निगाह कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग इसका नतीजा क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द एंड रिजल्ट। आप कर रहे हो कि पिंकी ने कह दिया है कि यकम तक निकाह कर रहा हो उसके भरना प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिलेगी। तो आप मुझे बताएं मानिक साहब, नाउ दैट यू हैव सीन इट फ्रॉम द आउटसाइड एंड हैविंग बीन बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, हाउ हैज दिस हैपेंड, ये किस तरह हुआ है कि ये एक ऐसे इंसान को स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द डिटेरियरेशन ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, विद द डिटेरियरेशन ऑफ मोरालिटी इन आवर लाइफ डे टू डे डेली लाइफ, अब तो कुछ रहा ही नहीं है जी। नहीं पर आप देखिए, अब आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं, अभी तो नया पाकिस्तान की बुनियाद ही यही है कि हम मोरालिटी वापस लेके आएंगे, और बकवास है, आई है बाप, क्या मतलब है इसका? भाई मतलब है उनकी मोरालिटी और है कोई, उनकी मोरालिटी है कि किसी के घर जाते आते रहो उसकी बीवी भगा लो। ये वैसे बात सही आपने की है, तो I mean, I'm agreeing with you here.
मतलब है मुझे नहीं पता जी। मैं इस पिंकी के बाप, मेरा दोस्त था बड़ा, खावर की शादी से बहुत पहले का, इसका जो पिंकी का दादा था मेरा उससे भी ताल्लुक था, और वट्टू कौम में ये अच्छा बड़ा घर था। बहन को नहीं जानता, ये इतनी इतनी थी। जब इस्लामाबाद में मैं मजलिसे शूरा का मेंबर था और मैं जाता था सेशन के लिए, तो इनके घर मेरा बड़ा आना जाना था, रियाज खान इनके बाप के साथ। तो ये सच है जो हम सुनते हैं, ये जो मतलब ऑब्वियसली काफी हद तक हमारी तरफ से भी बदतमीजियां हुई है, जब हमने भी काफी कुछ उनके बारे में कहा है। पूरा एक देखे, आप बाहर बैठे हो, ठंडी हवा है, तो आप कहते हैं ना यार कहीं बारिश होगी तो असरात तो आएंगे, ये तो आप नहीं कह सकते ना जी कि सिर्फ असेंबली की बिल्डिंग तक महदूद। और फिर जब सोसाइटी में मॉरल्स रिलैक्स कर जाते हैं तो वो सोसाइटी अल्टीमेटली कलैप्स कर जाती। कोई उस इलेक्शन का ये जो आगे होगा ना, जब भी ये इस तरह खामोशी से नहीं हो, आपको लगता है कि ये हो गया? बिकॉज मुझे, मेरे अंदाजे में तो ये कि अगर पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो ये फिर सड़कों पे आ जाएंगे। सिविल अनरेस्ट होगा, दिस इलेक्शन विल एंड अप इन वायलेंस, इन सिविल अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट, वायलेंस बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर द पोलिंग एंड आफ्टर। दैट्स वेरी स्कैरी थॉट आई मस्ट से। दैट्स अ वेरी स्कैरी थॉट। मेरी 5 साल की बेटी है, मेरे घर वाले, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस। Is this something that I should be worried about as a parent, as somebody with a family in Pakistan? मेरा मतलब है सामने आपके बादल उठ के आ रहे हैं, नजर आपको आ रहा है कि ये बरसेगा, और आप कहे मैं कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल्ट फॉलो है। ये किस तरह डेवलप हुई है? ये कोई पॉपुलरिस्ट पॉपुलिस्ट था? तो मेरा जो तजर्बा है, एक पीर, एक लीडर जिसको लोग मान लें, जो कांट आर्गू विद हिम। अब आप मुझे बताएं ये पीर है कि ये लीडर है? कौन? इमरान खान। ये कुछ भी नहीं। क्यों? दोनों नहीं। क्यों? पर कल्ट फॉलोइंग तो है। कल्ट फॉलोइंग तो है, अब क्या किया जाए? किस तरह बनी है, मुझे ये तो समझ नहीं आई। आपके इतना तजर्बा है, किसी के साथ कभी इस तरह की फॉलोइंग नहीं हुई है? ये ऐसा ऐसा सीप इन जैसे नहीं होती चीज, इस तरह बीमारी होती है, बीमारी होती है, ये ऐसा ऐसा आ रही थी सोसाइटी में, लेकिन आगे से कोई लीड करने वाला नहीं था बड़ा इतना। ये मिल गया, कल्ट फॉलोइंग इसकी होगी। जब जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली सोशली गिरा है, हमने ये देखा है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से हम वापस किसी पटरी पे आए, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने इस मुल्क नाल प्यार, और इस मुल्क की बेहतरी दी उन्होंने लगन, और इस मुल्क वास्ते हमेशा उन्हें बेहतरी चाहिए। अब बदकिस्मती है मुल्क दी और मुल्क तुहाडे साडे जैसे रहन वाले कि जेड़ा वो एक शिकंजा है, वो शिकंजा किसे नु कुछ करन नहीं। हम अस्यूम करते हैं काफी सारी चीजें पॉलिटिशियंस के बारे में या सियासत के बारे में, इन्हों तुसी जदों भी किसी तरह गल करते हो कहते सारी चोर ने, तो सारी इंज दे हैं, तो सारी उंज दे हैं। लेकिन मैं एज क्रिटिकल थिंकर, मैं नहीं ये समझती कि यार तुसी कहो कि पीटीआई वाले सारे बदतमीज ने या पीएमएलएन वाले सारे चोर ने या करप्ट ने। जिहड़ी एक मतलब एक किस्म की कहानी बनी हुई है मियाँ साहब नूं लैके, मतलब कि लोग कहते हैं कि वह इन्ने करप्ट ने, वह इन्ने ऐ ने, इन्ने वो ने, थोड़ा की लगता है कि यह जो एक परसैप्शन बनया है उन्होंने बारे च,
ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਨਰਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੀ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੇ ਫੈਲਾਵਣ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪਰ ਪਰ ਮੂੰਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਵੇਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਹੋਲਿਕ। ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਰਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਆਮ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਮ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਵੁੱਡ ਵੇਕ ਅਪ ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਸ ਫਰੈਸ਼ ਐਸ ਐ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਡਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MNA ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, MPA ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ। ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਖਬਰ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਖਾਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵੱਟੂ ਕੌਮ ਐਚੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਏ ਕੇ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੂਏ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਦਾਦੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਸੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਾਪ ਭੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੈਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਟਿਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਕਿ ਆਪ ਟਿਕਟ ਆਪਕੋ ਆਪ ਭਾਂਗ ਕਰੇ ਟਿਕਟ ਆਪਕੀ ਜੇਬ ਮੇਂ be refused. Was it for a family reason or a political reason that you decided not to go ahead with it? Two reasons. Ek to ye tha family reason bhi tha. Dusra tha ki meri party is waqt hai bade kharab soot se aur is waqt chhodna acha nahi lagega warna main to ghar baith gaya tha. To main party chhod deta तो फिर भी मैं घर तो बैठा ही था लेकिन मैंने कहा कि नहीं अनाउंस नहीं करनी जब तक हालात इनके बेहतर ना हो जाए वो चलते चलते 5 साल ही गुजर गया दिनों में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी अगर से दिल पे खराबी हजार गुजरी इस गलते मुकासा दे इस गल तुसी सही किया एक और भी है कि जो पैरहन में कोई ये फैज है जो पैरहन में कोई तार बोस्त सिब से बचा दराज दस्ती पीरे मुहा की नजर हुआ अगर जराहत कातिल से बख्शवा आए तो दिल सियासत चारा गरा की नजर हो पाकिस्तान के साथ ये हुआ कमाल है कि फैज ने अपने दौर में ये लिखा था और ये हमारे दौर में पूरा आ रहा है इट्स कम फुल सर्कल वन मोर टाइम चलिए मानिका साहब इट वाज लवली लवली टॉकिंग टू यू